में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में हमने साइंटिफिक नोटेशन स्टार्ट किया था, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, किस काम आता है साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन किस काम आता है? वैसे भी एक्सपोनेंट किस काम आते हैं? एक्सपोनेंट सबों को मालूम है ना, कुछ एक्सपोनेंट्स में डाउट तो नहीं है। राजवीर आपको मालूम है ना एक्सपोनेंट क्या होता है? बताओ। चलो अंजलि बताएगी। शाबाश अंजलि। या सोनिया बताएगी। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंट? हाँ बताओ सर। एक्सपोनेंट्स मींस पावर्स। पावर। और पावर्स का क्या मतलब है? मल्टीप्लाइंग में टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स। या सो वी कैन से रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। यस सर। रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन यानी कि हम मल्टीप्लीकेशन उस नंबर को बाय इटसेल्फ, अपने आप से हम बार बार उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं। जैसे अगर मैं लिखूंगा 4 पावर 3, तो दैट मींस जो ये 4 है, ये जो नंबर 4 है जिसको हम क्या कहते हैं, बेस, इसको बेस कहते हैं, और ये जो पावर, इसको हम कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट। और इसका मीनिंग है ये जो बेस नंबर है ये अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है? जितना इसका एक्सपोनेंट है, जितना इसका पावर है। तो यहाँ 3 लिखा है तो इसलिए ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा बाय इटसेल्फ। बाय इटसेल्फ मीन्स अपने आप से। तो हमने एक्सपोनेंट्स का तो काफी एक्सरसाइज की, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी देखे। उसके बाद हमने देखा कि एक्सपोनेंट्स कहाँ पे यूज होता है, और वहां पे हमने वी इंट्रोड्यूस्ड साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन किस काम आता है? वी कैन फॉर राइटिंग वेरी बिग, वेरी लार्ज नंबर्स एंड वेरी स्मॉल नंबर्स, ठीक है ना। हाँ, जैसे हमने देखा, अगर अगर 10 रेज टू पावर 1 है तो वो किसके बराबर होगा? वो तो 10 होगा। 10 रेज टू पावर 2, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, वो तो 100 हो गया। 10 रेज टू पावर 3, 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 1000। दैट मीन्स जो इसका 10 का जो बेस 10 है उसका जो भी पावर होगा उतने जीरो लगेंगे। तो इससे क्या फायदा हो गया, हम काफी बड़ा नंबर, लार्ज नंबर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं इतना बड़ा नंबर लिखूंगा, अब ये काफी बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है, इसको दूसरा तरीका क्या है लिखने का, मैं लिख सकता हूं, क्योंकि अब मुझे मालूम है ये इसका बेस तो 10 होगा और इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, सो आई इस पूरे इतने बड़े नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10
to the power 10. ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा ये बहुत बड़ा नंबर है, वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर को मैंने ऐसे लिखा. ओके और इस 10 रेज टू पावर 10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 10. क्यों? क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ऐसे लिखने को, ऐसे लिखने को, यानी कि उसमें एक यहां पे पहला जो नंबर होगा वो एक एक होल नंबर होगा या डेसिमल नंबर होगा. 1 के बदले 2 भी हो सकता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3. कितना होगा इसका वैल्यू, कौन बताएगा? सर 2000. हाँ, इसका 2000 होगा क्योंकि 10 पावर 3 तो 1000 होता है, मल्टीप्लाई बाई 2 दिस विल बी इक्वल टू 2000. सो इस फॉर्म में लिखने, अगर हम लिखें, यानी कि ये जो होल नंबर है या डेसिमल नंबर है, मिक्स्ड नंबर है, इसको अगर मैं लिखूं m मल्टीप्लाइड बाई x पावर n, ऐसे लिखने को हम, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम देखा कि अगर मान लो, अब मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज देता हूं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 350, इसको साइंटिफिक नोटेशन के शक्ल में लिखो. राइट दिस नंबर इन, राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन. यानी कि ये जो नंबर है 350, इसको कैसी शक्ल में लिखना है कि एक पहले हम m मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू पावर n, और x जो है वो हम 10 का रखेंगे बेस, 10 पावर n, ऐसी शक्ल में लिखेंगे. कैसे लिखोगे बताओ, कौन बताएगा? शाबाश, हाँ बताओ निर्मला. सर 35 × 10 रेज टू पावर 1. यस, सो 350 को वी कैन राइट एज 35 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 1. ओके, अगर अब मैं कहता हूं ओके इसी 350, ये नंबर सेम है, इसको 350 को मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर डेसिमल, एक डेसिमल नंबर लिखना है तो मैं 350 को ऐसे भी लिख सकता हूं, 350.0. ठीक है ना, ये तो होल नंबर है और जो फ्रैक्शन है उसके साथ कोई हिस्सा नहीं है, तो जीरो. 350 को मैं 350.0 भी लिख सकता हूं. तो हमने देखा जब हम डेसिमल को, इस डेसिमल को मैं, अगर मैं इसको मैं लेफ्ट की ओर ले जाऊं, वैसे मैं पूछता हूं, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहां थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूं 350.0 है, अगर मैं इस डेसिमल नंबर को एक वन प्लेस लेफ्ट को ले जाता हूं, यानी कि ये क्या बन जाएगा, 35.00. तो जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर मेरे पास 350 था, उसका वैल्यू कम हो गया या बढ़ गया? उसका वैल्यू कम हो गया, रिड्यूस हो गया. दैट मींस जो ये डेसिमल नंबर है, सॉरी जो डेसिमल का प्लेस है, अगर मैं इसको लेफ्ट को ले जाऊं तो नंबर छोटा हो जाता है. कितना छोटा हो जाता है? 10 टाइम्स, क्योंकि हर स्टेप पे हमने
यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स पड़ा है प्लेस वैल्यू, जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो वो टेन टाइम्स टेन का फर्क पड़ता है। और अगर मैं इसको इस डेसिमल पॉइंट को एक और ऐसे ले जाऊं तो ये बन जाएगा 3.5, तो और कम हो गया, इससे भी कम हो गया। ठीक है, अगर अब मैं कहता हूं अच्छा नंबर सेम है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सेम नंबर है 350, इसको मैं अलग अलग शक्ल से अलग अलग तरीके से लिखता हूं। एक मैं लिख सकता हूं 350.0, इसको मैं लिख सकता हूं 335.0, क्या मैं लिख सकता हूं 350 = 35.0? ठीक है, ये जो मैंने लिखा है सेकंड इक्वेशन, इज इट करेक्ट? नो सर। हाँ, तो दैट मींस इसको करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये इक्वेशन का लेफ्ट साइड है दिस इज नॉट इक्वल टू राइट साइड, तो मुझे बराबर करने के लिए जो राइट साइड है इसको मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो बराबर हो जाएगा। यस सर। या मैं 350 को ऐसे भी लिख सकता हूं 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि मैंने डेसिमल पॉइंट यहां से देखो, यहां पे डेसिमल पॉइंट यहां था, अब मैंने एक प्लेस इसको लेफ्ट की ओर ले लिया। राजवीर आप माइक बंद करो। एक डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को ले लिया एक प्लेस, लेकिन साथ में ही मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो उसका वैल्यू सेम रहा। फिर मैंने डेसिमल को और एक प्लेस लेफ्ट को ले लिया, यानी कि ये 3.5 बन गया, लेकिन साथ में मुझे 2 जीरोज लगाने पड़े। That means 350 को मैं कैसे लिख सकता हूं? I can write 35 × 10⁻¹. अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है मुझे, या मैं 350 को ऐसे भी लिख सकता हूं 3.5 × 10⁻², या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अब मैं डेसिमल को और इधर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 0.35 × 10⁻¹, क्या होगा 3। सो 350 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, और ये सारे मेरे साइंटिफिक नोटेशन है। ओके, क्योंकि वैल्यू सेम है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इसको देखूं 0.35 × 10³, इसका क्या मतलब है? अगर आप इसको वापस कन्वर्ट करें, ये डेसिमल पॉइंट हम हटा सकते हैं, ये दो प्लेसेस हैं तो मुझे नीचे 100 से डिवाइड करना है, तो ये डेसिमल पॉइंट हट गया। और 10³ क्या है? 10³ मींस 1000। अब यहां पे देखो, यहां 30 है, नीचे 20 है, 20 कैंसिल हो गए, 35 × 10, ये वापस 350 मिल गया। यस सर। सो किसी भी नंबर को वी कैन कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, वो बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो। छोटा नंबर होगा तो पावर माइनस नेगेटिव हो जाएगा। अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये साइंटिफिक नोटेशन में हम देखते हैं, हम कहां जाएंगे हम। लेट मी शेयर दिस टैब, we will go back to math or topics में हमारा कहाँ है, ये है exponent। exponent को मैं click करता हूँ और वहाँ exercise को मैं click करूँगा।
तो देखो एक्सपोनेंट्स के अंदर हमारे को ये एक एक्सरसाइज है साइंटिफिक नोटेशन, जिसका क्या नंबर है E7-9, ये दिख रहा है। इस एक्सरसाइज को करते हैं हम प्रैक्टिस, ठीक है। और आप लोगों को अगर जैसे मान लो या चलो पहले ये देखते हैं, तो मैं इसको क्लिक करता हूं, लेट अस शेयर दिस टैब। अब क्या लिखा हुआ है खान एकेडमी की एक्सरसाइजेस में, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। क्या नंबर है 1900,000s। अब 100,000 है, तुम्हें फ्रैक्शन याद है ना, जैसे अगर हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं 1/10, जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10th हो जाते हैं, अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/100th, साथ में TH लगेगा, जब TH लगता है दैट मींस वो एक छोटा सा फ्रैक्शन है, जैसे 1/10th तो 1/100 हो गया, 1/100th मींस 1/100, और फॉर एग्जांपल इफ आई से 1000th, साथ में TH लगाऊंगा, इसका क्या मीनिंग है 1/1000 ऐसा। और अगर मैं अगर मैं लिखता हूं 2000, जैसे तो इसका क्या मीनिंग हो गया 2/1000, यानी कि छोटा नंबर हो गया। छोटा क्यों हो गया, क्योंकि हमने इस 2 को 1000 से डिवाइड किया। 1000 से डिवाइड करना क्या मतलब होता है, उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, पार्ट्स में डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में 1000 पार्ट्स में, तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को कहता हूं, अभी मैं पहले सिंपल एक्सरसाइज देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 1000th, एक नंबर है उसको मैंने ऐसे एक्सप्रेस किया, इसको अगर मैं ये तो वर्ड में लिखा है, अगर मैं कहूंगा इसको फिगर में लिखो तो आप कैसे लिखोगे 1/1000। वेरी गुड। अगर अब मैं कहूंगा अच्छा इसी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो साइंटिफिक नोटेशन मींस हमें एक्सपोनेंट का हेल्प लेना है, एक्स रेज टू पावर सम नंबर, तो 1 को तो 1 ही रहने देते हैं हम न्यूमरेटर में, और 1000 को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें, कैसे लिखेंगे सर 10^3। 10^3, वेरी गुड। और 1/10^3 को हमने देखा है जब एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में होता है उसको हम न्यूमरेटर में ले सकते हैं, और उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/10^3 -3। दैट मींस ये जो लिखा था मैंने वर्ड्स में 1000th, जिसको फिगर में मैंने ऐसे लिखा, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। इसी तरीके से अब ये एक्सरसाइज है,
19 100,000 यानी कि 19 का एक को फ्रैक्शन कर दिया, कितने से डिवाइड करूंगा, 100,000। 100,000 क्या और कितने जीरो होते हैं, ये तो तीन हो गया, 1,000 10,000 छह जीरो, सॉरी 5 जीरो, जिसको इंडियन नंबर सिस्टम में हम 1 लाख कहेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या कहेंगे, 100,000। लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा है इसलिए इसको यहां पे TH लगाया हुआ है। इज इट क्लियर? यस सर। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये नंबर बोलूं, अब मैं बोलूंगा ये रीड दिस नंबर, क्या नंबर है, तो पहले ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि इसको रीड हमें इंडियन नंबर सिस्टम में करना है या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में करना है। हमने इसकी खूब प्रैक्टिस की है। इंडियन नंबर सिस्टम में तो कॉमा सेपरेटर कहाँ लगता है, 3 के बाद और 2 के बाद, तो ये बन जाएगा 1 लाख। लेकिन अगर इंटरनेशनल सिस्टम में करना है तो हम कॉमा सेपरेटर्स कैसे लगाते हैं, 3 और 3 के बाद, तो ये 3 और ये 3, फिर इन ग्रुप्स को हम पढ़ेंगे, तो दिस बिकम्स 100,000। और अगर इसी को मैंने डिनोमिनेटर में लिखा 1 अपॉन दिस, तो ये 1,000 100,000 नहीं कह सकते, इसको मैं कह सकता हूं 100,000, लास्ट में TH लगाऊंगा। और क्योंकि आगे 19 है तो दैट मींस 19 divided by this number, सो 19 divided by 100,000। और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 19 multiplied 10 raised to power -5, very good। सो ये जो नंबर है इसको मैं ये वाला कौन सा फॉर्म है, अगर मैं बोलूंगा ये नंबर 19 upon 100,000, इसका क्या शक्ल है, कौन सा फॉर्म है, शाबाश, दिस इज ए फ्रैक्शन फॉर्म। कौन सी शक्ल है, फ्रैक्शन की शक्ल है, एक न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इसको मैं कह सकता हूं फ्रैक्शन फॉर्म। इसको मैं कहूंगा साइंटिफिक नोटेशन, बेशक आगे फॉर्म भी लगा दो, यानी कि ये नंबर सेम है, इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकता हूं, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में भी लिख सकता हूं, इसको मैं डेसिमल नंबर में भी लिख सकता हूं। जैसे 19 अगर यहां लिखूं मैं लेफ्ट साइड पे, देखो स्क्रीन के, 19 upon 5 zeros, यानी कि 100,000, इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, पहले न्यूमरेटर को लिखेंगे, फिर उसके नीचे कितने प्लेसेस के राइट से लेफ्ट जाना है, कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाना है, जितने नीचे जीरो है 1 2 3 4 5, तो ये तो 1 और 2 3 4 5 and decimal, तो ये 0.00019, ये कौन सा फॉर्म हो गया, डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, वेरी गुड। सो आपने देखा एक ही नंबर है, उसको मैं डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकता हूं, उसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकता हूं, उसको मैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में भी लिख सकता हूं, लेकिन उनकी वैल्यू सेम होगी, बीच में मैं इक्वल लगा सकता हूं, ये नंबर इसके बराबर भी है, ये नंबर इसके बराबर भी है, केवल शक्ल बदल गई, और शक्ल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फॉर्म। अब इस नंबर को मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हम यहां कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे 19 multiplied by
मल्टीप्लाइड बाय, कहाँ है मल्टीप्लिकेशन का साइन, चलो 19 मल्टीप्लाइड बाई क्या था, 10, 10 टू द पावर -5, ऐसे लिखा मैंने, अब देखते हैं करेक्ट लिखा है, कैसे लिखा है, 19 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5। अब इसको चेक करते हैं, ये चेक बटन दबाते हैं, क्या कह रहे हैं, रॉन्ग वेरिएबल लेटर। अच्छा ये इसको एक्स मान रहा है, मल्टीप्लिकेशन साइन को कैसे लिखें, यहाँ जो ये किया ना हमने, ये एक्स मान रहा है, कह रहा है वेरिएबल नहीं लिख सकते हो, इस एक्स को कैसे मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ तो दिया प्लस माइनस। अच्छा, मुझे लगता है शायद स्पेस देना होगा, 19 स्पेस, नहीं स्पेस तो मान ही नहीं रहा सर, आई थिंक पॉइंट नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई पॉइंट लगाए, नाइनटीन, हाँ ऐसे पॉइंट शायद ये ठीक है, 19 पॉइंट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 10 -5 टू द पावर, पावर का ये है बटन -5। अब इसको चेक करते हैं, अरे लेट्स गेट सम हेल्प। अच्छा तो ये, हाँ ये ऐसे कह रहे हैं, चलो एक और पॉइंट है विच प्रोबेबली आई शुड एक्सप्लेन, कि नॉर्मली साइंटिफिक नोटेशन में, लेट्स गो बैक, साइंटिफिक नोटेशन में जैसे अगर मैंने 19 लिखा है ना, सपोज मैं अगर मैं लिखता हूँ 19, और फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 19, ओनली 19, और मैं कहूँगा 19 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, यू कैन वन, एक मिनट होल्ड करो, ओके सर, एक मिनट होल्ड करो, मैं आ रहा हूँ।
देखो 90, हेलो, हाँ 19 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम नॉर्मली साइंटिफिक नोटेशन में जो ये वाला नंबर है ना, ये डेसिमल नंबर में लिखते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.9 इंटू 10 रेज टू पावर, कितना हो जाएगा अब बताओ, क्योंकि मैंने इसको डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की ओर ले लिया, दैट मींस इस 19 का नंबर वैल्यू कम हो गया, तो इसको मैं इसका एक नंबर बढ़ा दूंगा तब ये सेम रहेगा, तो ऐसे लिखना है। हाँ, सो ये जो पहला नंबर है जो m इंटू एक्स रेज टू पावर n की शक्ल है, उसमें जो ये वाला कांस्टेंट नंबर है, इसको नॉर्मली डेसिमल नंबर में हम लिखेंगे, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन का एक प्रकार से मान लो रूल है। सो जो हमने लिखा था, हमने ठीक लिखा था 19 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर नेगेटिव 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.9 10 रेज टू पावर, मैं एक जीरो बढ़ा रहा हूं, एक जीरो, लेकिन ये ऑलरेडी नेगेटिव में, जब मैं एक जीरो बढ़ाऊंगा तो ये नेगेटिव पावर कम हो जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव 4। अब चेक कर, अरे वो सॉरी, तो अभी आप इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये एक्सरसाइज मैं होमवर्क इसको भेजता हूँ, या प्रैक्टिस करना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर। ओके, आई थिंक कुछ हुआ है।